हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अलजेब्रा चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 की तरह, बट इक्वेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो है इक्वेशन दी हुई है, इसे हमें नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है बट फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसे हमें क्या करना है, जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। 2 upon x minus 3 upon y equal to 15, which is equation 1. 8 upon x plus 5 upon y equal to 77, that is our equation number 2. Okay, यहाँ पर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमें 1 upon x और 1 upon y को रिमूव करके उसके बदले में दूसरा वेरिएबल जो है सब्सटीट्यूट करना है। Substituting a for 1 upon x and b for 1 upon y, then given equation become, okay, 1 upon x out, a in, kya ho gaya, 2a minus 1 upon y out, b in, equation become 3b equal to 15, which is equation number 3. 8 1 upon x out, a in, plus 5 1 upon y out, b in, equal to 77, which is equation number 4. Now we have two simultaneous equations. ओके, यहाँ पर जो है जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स जो है सेम होने चाहिए विद कोएफिशिएंट, और साइंस जो है उसके साइन जो है डिफरेंट होने चाहिए। तो साइन तो डिफरेंट है मगर वेरिएबल सेम नहीं है, तो इसे हम सेम बना देते हैं। या हम जो है यहाँ पर 8 है तो इक्वेशन नंबर 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इक्वेशन को सब्सट्रैक करने पर इनकी साइन भी है चेंज हो जाएगा। इस तरह हमें दो ऑपरेशन नहीं करना होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4, इक्वेशन 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन 3 को रीराइट कर लेती हूँ, 2a माइनस 3b इक्वल टू 15 इंटू 4 इंटू 4, हम पीछे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 4, 4 टू जा 8a, 3 4 जा 12b, 15 4s are 6, that is our equation number 5. Subtracting equation 5 from equation 4, equation 5 from equation 4,
देखते हैं इक्वेशन 4 प्लस 5b इक्वल टू 77, इक्वेशन नंबर 5 8a माइनस 12b इक्वल टू 16। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो भी यहाँ की साइन है चेंज हो जाएगी, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस था तो माइनस। 8a 8a गेट कैंसल। नाउ 5b प्लस 12b बिकम 17b इक्वल टू 77 माइनस 60 बिकम 70। Therefore, b इक्वल टू 17 अपॉन मल्टीप्लाई वाला 17 इक्वेशन के दूसरे तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 17 वन जा 17, देयरफॉर b इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है हमारा 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, 2a माइनस 3b आउट वैल्यू इन, 2a माइनस 3 वन जा 3 इक्वल टू 15, 2a 15 प्लस 3a 15, माइनस वाला 3 इक्वेशन के दूसरे तरफ आके प्लस हो गया, 2a 18 a इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 2 नाइन जा 18, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9। रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की वैल्यूज को क्या करना है रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो a इक्वल टू हमने क्या लिया था, a इक्वल टू 1 अपॉन x एंड b इक्वल अपॉन y, a इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिल गया है 9 एंड b इक्वल टू 1 अपॉन 9, y इक्वल टू 1 अपॉन x इक्वल टू 9 एंड 1 अपॉन y इक्वल टू 1, therefore 1 इक्वल टू 9 इंटू x, डिवाइड वाला x जो है इक्वेशन के दूसरे तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 1 इक्वल टू y इंटू 1, 1 इंटू y, therefore 9x इक्वल टू 1, therefore x इक्वल टू मल्टीप्लाई वाला 9 इक्वेशन के दूसरी तरफ गया तो अपॉन में हो जाएगा, यानी x अलोन कर दिया हमने, हमें x की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 9 वाई। नाउ y वन जा y, देयरफॉर y इक्वल टू 1। सॉल्यूशन x कॉमा y इक्वल टू 1 अपॉन 9 कॉमा 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो उसे कैसे सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।